स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आप साइकिल चलाना नहीं भी जानते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी का आप बैलेंस बना सकते हो। बस थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखना है। अगर थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूटी का बैलेंस बनाते हो तो बहुत ही परफेक्ट राइडर आप बन सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं साइकिल चलाना नहीं जानती, तो क्या स्कूटी चलाने के लिए सीख सकती हूँ? तो ऑफकोर्स, वाई नॉट, आप बहुत ही इजीली और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। और स्कूटी चलाना बहुत है आसान। बस छोटे छोटे टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही परफेक्ट राइडर बन सकते हो। तो आज का वीडियो में मैं बस यही बताने वाली हूँ कि अगर आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो पहले दिन से लेकर सातवें दिन तक मैं 7 दिन का चैलेंज करती हूँ कि अगर आप मेरे पास में 7 दिन के लिए आते हो तो मैं आपको परफेक्ट राइडर बना दूँगी। तो पहले दिन से सातवें दिन तक आपको क्या क्या करना है और किस तरीके से आपको स्कूटी का बैलेंस संभालना है, हैंडल संभालना है, ब्रेक यूज करना है, इंडिकेटर लेना है, मतलब आप 7 दिन में एक परफेक्ट राइडर बन सकते हो। तो बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें और अपने कॉन्फिडेंस को, लेवल को बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो लेकिन आपके अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी भी स्कूटी चलाने के लिए नहीं सीख सकते हो। तो बस स्कूटी सीखने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और आपके अंदर जो मन में डर है उस डर को सबसे पहले आप बाहर कीजिए। जब तक आपके अंदर डर रहेगा आप स्कूटी नहीं सीख सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप अपने कॉन्फिडेंस को पूरा लाइए, आप अपने मन में ठान लो कि आपको स्कूटी चलाने के लिए सीखना है, तो फिर देखो कि कितना इजीली और परफेक्ट तरीके से आप स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखना है तो आप परफेक्ट राइडर बन सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं बस यही बताऊंगी कि कितना आसान तरीके से आप स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है स्कूटी का बैलेंस को संभालना। तो आज मैं सबसे पहले, आप जब स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो क्या करना है वो मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, स्कूटी अभी हमारी एक स्टैंड में है तो सबसे पहले करना क्या है कि स्कूटी का तो बैलेंस अभी आप बनाने के लिए सीखे नहीं हो तो स्कूटी के सबसे पहले स्कूटी को हम इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए, स्कूटी को आप इस तरह से सीधा करो, फिर एक पैर से इस तरह से आपको स्टैंड को हटाना है। इस तरह से स्टैंड को हटाइए तो स्कूटी का स्टैंड हटते कुछ इस तरह से स्कूटी गिरने लगेगी। तो इस समय आपको करना क्या है कि बहुत ही इजी तरीके से आपको स्कूटी को संभालना है। तो एक हाथ देखिए, इस तरह से आप ब्रेक के ऊपर में रखिए, इस तरह से हाथ को पकड़ के रखिए और दूसरा इस तरह से रखिए। अगर आपके हाथ यहाँ तक चल जा रही है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से पकड़ो और धीरे धीरे आप स्कूटी का इस तरह से बैलेंस बनाओ। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये देखिए, आप इस तरीके से पकड़ लो और धीरे धीरे यहाँ पे बैलेंस बनाना है। तो इस तरह से जब आप स्कूटी का बैलेंस बनाते हो तो बहुत ही परफेक्ट राइडर आप एक दिन बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, बस इस तरह से आपको पहला दिन बस यही करना है। ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका फर्स्ट डेज होगा। और यहाँ एक बात देखिए, अगर आप साइकिल चलाना नहीं भी जानते हो तो स्कूटी का बैलेंस आप कैसे संभालोगे? मेरी हाथों को ध्यान से देखिए, मैंने एक हाथ एक्सीलेटर के ऊपर में रखा, दूसरा हाथ ब्रेक के ऊपर में रखा और धीरे धीरे बिना स्कूटी को स्टार्ट किए हुए धीरे धीरे चल रही हूँ। बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे जहाँ आपकी स्कूटी गिरते गिरते बचेगी, क्योंकि आप इस समय स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए नहीं सीखे हो। तो बहुत सारे ऐसे टिप्स है, अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही परफेक्ट राइडर बन सकते हो। तो बस धीरे धीरे कंटिन्यू इस तरह से चलते जाएं, जहां आपका स्कूटी का हैंडल टेढ़ी मेढ़ी हो तो फिर उसे सीधा करें और फिर चलें। और ये देखिए, इस स्कूटी बहुत जगह गिरेगी। गिरेगी मतलब क्या, जैसे कि आधा स्कूटी गिर जाएगी, फिर आप उसे उठाइए और फिर इस तरह से आप कंटिन्यू चलते जाइए। इसमें क्या होगा कि स्कूटी का आप परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए सीख जाओगे। तो मैं इसे ऐसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्कूटी का बैलेंस आप खुद ब खुद संभालने के लिए सीखोगे। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट डेज का। तो सेकेंड डेज का देखिए,
तो फ्रेंड्स दूसरे दिन भी स्कूटी आपको स्टार्ट करनी नहीं है, बस स्कूटी पे आपको इस तरह से बैठना है और पैरों से स्टैंड को हटाना है। पैरों से जब आप स्टैंड हटाओगे तो आपका स्कूटी कुछ लड़खड़ाने लगेगा, तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि दोनों पैर आप ज़मीन पे इस तरह से टिका के रखो और धीरे धीरे पैरों से ज़मीन को धक्का देते हुए, ये देखिए मेरे पैरों को ध्यान से देखिए, मैं पैरों से ज़मीन को कैसे धक्का दे रही हूँ। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि मैंने अभी स्कूटी को स्टार्ट नहीं किया है, आपको भी स्कूटी बिल्कुल स्टार्ट नहीं करनी है, बस पैरों से ज़मीन को धक्का दे दे के धीरे धीरे स्कूटी का बैलेंस बनाएं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से पैरों से धक्का दोगे और स्कूटी को संभालने के लिए सीखोगे तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद स्कूटी का बैलेंस संभालने के लिए आप सीख जाओगे। तो मेरे ख्याल से दो दिन में स्कूटी में आपका बैलेंस बन जाएगा। तो अब चलिए तीसरे दिन की ओर चलते हैं। तो तीसरे दिन आपको स्कूटी स्टार्ट करनी है तो इस तरह से हाथों को आप एक ब्रेक के ऊपर में रखिए, दूसरा एक्सीलेटर के ऊपर में, देखिए मैंने कैसे मुट्ठी बांध के रखा है और स्कूटी को स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्कूटी को इस तरह से सेल्फ को दबाइए अंगूठे से और मुट्ठी बांध के ही रखना है, एक्सीलेटर के ऊपर इस तरह से मुट्ठी को बांध के रखिए और बिल्कुल हल्का, जितना हल्का एक्सीलेटर होगा उतना हाथ लेना है। बस थोड़ा सा एक्सीलेटर लेंगे फिर आगे जाएंगे, फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर लेंगे फिर आगे जाएंगे, मतलब एक एक कदम बिल्कुल धीरे धीरे लेना है। आप जहाँ लड़खड़ाओगे तो वहाँ पे आप ब्रेक ले लो। तो बस इस तरह से थोड़ा सा एक कदम आगे जाए फिर स्कूटी रोके, फिर एक कदम आगे जाए फिर स्कूटी रोके। तो ऐसे क्या होगा फ्रेंड्स कि एक्सीलेटर के ऊपर में आपका परफेक्ट तरीके से हाथ जम जाएगा। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ जमेगा और ब्रेक भी यूज करने के लिए आप सीख जाओगे। तो मेरी पैरों को भी देखिए, मैं पैरों को ज़मीन पे कैसे टिका के रखी हूँ। अब बिल्कुल स्लो, एक कदम चले फिर रुकिए, एक कदम चले फिर रुके। जैसे बच्चे नया नया में चलने के लिए सीखता है, एक कदम चलता है फिर रुकता है, एक कदम चलता है, तो बस फिर आपको भी बस वैसे ही प्रैक्टिस करना है। स्कूटी के एक्सीलेटर के ऊपर हाथों को ऐसे मुट्ठी बांध के रखें और बिल्कुल स्लो एक्सीलेटर लेना है, जहाँ पे डिसबैलेंस हो वहाँ पे आप रुक जाएं और फिर पीछे की ओर जाएं और फिर स्कूटी स्टार्ट करें और बिल्कुल एक एक कदम इस तरीके से चलना है। तो मेरे ख्याल से तीन दिन में एक्सीलेटर के ऊपर में आप हाथ जमाना भी सीख जाओगे। और मेरे इस टिप्स को अगर फॉलो करते हो तो बहुत ही इजीली एक्सीलेटर के ऊपर भी आपका हाथ जम जाएगा, ब्रेक भी यूज़ करने के लिए सीख जाओगे और स्कूटी का परफेक्ट बैलेंस भी बनने लगेगा। तो ये हो गया तीसरे दिन का ट्रेनिंग। तो मैं चौथे दिन की ओर चलती हूँ। तो फ्रेंड्स अब चौथा दिन हो गया है तो मैं तो यहाँ मार्ट में नहीं जा रही हूँ, लेकिन बहुत ही कम जगह में मैं आपको बता रही हूँ कि स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाओगे। तो ये फोर्थ डेज है, तो फोर्थ डेज में आपको करना क्या है कि धीरे धीरे स्कूटी के एक्सीलेटर को बिल्कुल स्लो लेते हुए धीरे धीरे इस तरह से आप चले, आपको गोल राउंड में चलना है। गोल राउंड में जब चलोगे तो क्या होगा कि जब आप स्कूटी के हैंडल को हल्का सा ऐसे मोड़ोगे और टर्न लोगे तो आप यहाँ पे टर्निंग लेने के लिए सीख रहे हो। एक बात ध्यान में रखना कि स्कूटी के हैंडल को हल्का सा मोड़ते हुए बिल्कुल गोल गोल घूमना है, पैरों को ज़मीन पे टिका के ही रखना है और धीरे धीरे बिल्कुल स्लो, जैसे रोड पे चलने के लिए बताया है, तो गोल राउंड में भी आपको बिल्कुल स्लो बिल्कुल धीरे धीरे इसी तरह से स्कूटी के हैंडल को हल्का सा मोड़े और बिल्कुल गोल गोल इस तरह से आप घूमते रहें, तो ऐसे में आप टर्निंग लेने के लिए सीख रहे हो। तो फ्रेंड्स ये हो गया फोर्थ डेज का। तो चलिए फिफ्थ डेज की ओर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स पांचवा दिन आपको क्या करना है, पैरों को हवा में लड़ाना है। आपने स्कूटी का बैलेंस बना लिया, एक्सीलेटर भी लगभग आपका कंट्रोल हो ही जा रहा है और ब्रेक भी आप यूज़ करना सीख ही गए हो, तो पांचवें दिन बस पैरों को हल्का हल्का ऊपर उठाएं। ये नहीं कि अचानक ऊपर उठा लो, आपको बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से हवा में पैरों को लहराना है, मतलब थोड़ा सा पैर को ज़मीन में सटाओ फिर ऊपर इस तरह से लेते हुए हवा में, जैसे कि हवा में पैर को लहराते हो, पैर को हवा में लहराते हुए
स्कूटी को चलानी है, एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है और धीरे धीरे पैरों को इस तरह से ऊपर कर ले, जहां आपको लगे कि आपका बैलेंस बन रहा, पैरों को धीरे धीरे हवा में ऐसे लेते हुए स्कूटी कंटिन्यू चलाते रहें, तो ऐसे क्या होगा कि स्कूटी का परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए आप सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब सिक्स डेज की ओर चलते हैं। तो छठा दिन आपको करना क्या है कि आपको स्कूटी के ऊपर एक पैर ले जाना है, दोनों पैर को नहीं लेना है, एक पैर को धीरे धीरे स्कूटी के बैलेंस को संभालते हुए धीरे धीरे आप कोशिश करें एक पैर ऊपर लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे कैसे एक पैर ऊपर कर रही हूँ, ऊपर कर रही हूँ फिर ये नीचे आ रहा, जहाँ बैलेंस स्कूटी का ख़राब होगा तो आपका पैर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप पैरों को थोड़ा सा ऊपर लें, जब स्कूटी का बैलेंस संभला रहेगा तो पैर ऊपर चला जाएगा, और जहाँ लगेगा कि स्कूटी का बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा तो आपका पैर ज़मीन पे आ जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एक पैर का स्कूटी पे रख कर आप अच्छी तरह से स्कूटी चलाने के लिए सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स ये हुआ छठा दिन का। तो चलिए अब लास्ट डेज की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पे करना क्या कि सातवां दिन आप बहुत ही इजीली आप स्कूटी चला लेते हो, क्योंकि छठा दिन में मैंने बताया कि पैरों को आप ऊपर करके कैसे चलाओगे, मतलब एक पैर ऊपर कैसे करोगे। तो लगभग एक पैर का आपका बैलेंस बन ही गया है, जहाँ स्कूटी डगमगाए आप पैरों को फटाक से नीचे कर ले और दूसरा पैर को ऊपर करके हल्का सा एक्सीलेटर को तेज करना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात है कि स्कूटी के एक्सीलेटर को हल्का सा जब आप तेज करोगे तभी आपका दूसरा पैर भी ऊपर जाएगा, और दूसरा पैर ऊपर करके कंटिन्यू आपसे जितना दूर होता है आप चल पड़ो, जहाँ लगे कि आप स्कूटी का आपका डिसबैलेंस होने वाला है आप एक पैर को नीचे कर लो या दोनों पैर को नीचे कर लो। तो बस इसी तरह से आपको स्कूटी ड्राइव करनी है। मैंने बहुत ही इजीली और परफेक्ट तरीके से छोटे छोटे टिप्स को बताया है। अगर आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो करते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बिना किसी के हेल्प आप स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। तो ये देखिए मैं यहाँ टर्न भी बता रही हूँ। तो जब आप दोनों पैरों को रख कर बिल्कुल धीरे धीरे स्कूटी चलाते हो तो इस तरह से आप टर्न भी बहुत ही इजीली आप ले लेते हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप साइकिल चलाना नहीं भी जानते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो बिना किसी की हेल्प की। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।